डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन। यह सांस्कृतिक भवन आम्बेडकरी लोगों का एक भावनात्मक विषय है और इस सांस्कृतिक भवन का पुनर्निर्माण करने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन नव निर्माण समिति फिर से स्थापित हुई है। इस भवन का फिर से निर्माण करने के लिए समिति की ओर से हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया है। डॉक्टर आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन का काम जल्द शुरू करने के लिए पूरे नागपुर में 17 से 30 मई तक हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी जानकारी आयोजित पत्रकार परिषद में दी गई। यह हस्ताक्षर अभियान 6 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्येक वार्ड में चलाया जाएगा और आम्बेडकरी आंदोलन के लगभग 200 बच्चे इस अभियान को क्रियान्वित कर रहे हैं। इस अभियान के तहत नागपुर के 5 से 7 लाख लोगों के हस्ताक्षर लेने का लक्ष्य समिति का है। ये सिग्नेचर कैंपेन का मुख्य हेतु ये है कि हम लोग जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन अंबाझरी के परिसर में जो भवन था वहाँ पे उसके डिमोलिशन को लेके बहुत बड़ा एक तीव्र आंदोलन हमारे समाज ने किया और हमारे समाज के जो लोग नेतृत्व कर रहे थे उन्होंने मौखिक आश्वासन के ऊपर देवेंद्र फडणवीस जी के कि हम लोग इसको वापस से बना के देंगे, ये कहते हुए इन्होंने ये आंदोलन को पीछे ले लिया और पीछे लेने के बाद आज 1 साल हो चुका है। वहाँ पे अभी तक एक ईंट भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से नहीं लगी है। तो हम सारे युवाओं का समाज के ये कहना है कि हम लोग समाज को वापस से शिक्षित करेंगे, उनको संगठित करेंगे और संघर्ष करेंगे। इसके माध्यम से सिग्नेचर कैंपेन हम लोग लेंगे, करीब 7 से 8 लाख सिग्नेचर्स हम लोग लेंगे, जहाँ पर समाज का समर्थन और क्या सच है क्या झूठ है और समाज को जो दिशा भूल की, ऐसे बहुत लोगों का कहना है, समाज का ऐसा कहना है कि हमको सच नहीं पता, तो सच लोगों के बीच लेके जाने के लिए और वहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भवन वापस से नव निर्माण करने के लिए ये समिति की स्थापना की गई है। कल सुबह 11 बजे दीक्षा भूमि से हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो हमारे परम पूज्य है उनको हम लोग वंदन करके कल से हम लोग सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत करेंगे। ये करीब 1 महीना चलने वाला है और इसका उद्देश्य ये है कि समाज को संगठित किया जाए और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो भवन था वहाँ पे उसका नव निर्माण किया जाए। इस हस्ताक्षर अभियान के पूरा होने के बाद हस्ताक्षर शेड महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिलाधिकारी विपिन इटनकर, MTDC और संबंधित विभाग को भेजा जाएगा और जल्द से जल्द भवन के निर्माण के लिए प्रयास किए जाएंगे। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।